कि यार कार्निवल देख रहा हूँ मैं, एक बंदा बैठा है गाड़ी चला रहा है। तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। लिमोजिन आपको समाज को दिखाने के लिए लेना है, बहुत अच्छी बात है। मेरा दिल टूट गया मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला यार क्या गाड़ी ले ली तूने, हर ट्रिप के बाद मेरे को मोबाइल में शेयर करेगा, देख 22 की आ गई, देख 23 की आ गई, 25 की आ गई। अब मेरी i20 का एवरेज तो भाई 13-14 निकलता है। इकोनॉमी को आप देखिए किस तरह से, इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी। हम एज अ मिडिल क्लास हम ज्यादा ओवर स्पेंड ना करें कारों पे। इन्होंने जो है यूटिलिटी पर्पस के लिए गाड़ी लेना ज्यादा बेहतर समझा, ना कि शोशेबाजी के लिए। भाई गाड़ी लेना बहुत प्रैक्टिकल लेना, हम तो लेके फंस गए हैं। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। दो भाई आए हैं हमारे पास, एक है विकास, दूसरे है विनय। और विकास का जो बजट था 17 लाख के आसपास था, ठीक है। 17 लाख होने के बावजूद इन्होंने एक ऐसी गाड़ी ली है जो कि मात्र इनको पड़ी कितने की, 11,07,000 रुपये, 11,07,000 रुपये की। और जो हमारे भाई साहब हैं दूसरे विनय, उनको थोड़ी सी दिक्कत है कि इसने ये गाड़ी क्यों ली। हाँ, इनका जो बजट है अच्छा खासा था, इससे ऊपर की भी गाड़ी आ सकती थी। गाड़ी कौन सी है मैं आपको दिखा देता हूँ। गाड़ी है आपकी स्विफ्ट, स्विफ्ट में टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है और ये AMT है, ठीक। इसका सारा ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने वाले हैं। बहुत ज़्यादा चला दिया है इन्होंने इस गाड़ी को 9,000 के आसपास, और लॉन्ग ट्रिप्स भी कर दी है। एवरेज क्या निकालती है, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं अभी या नहीं आ रही है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। बजट जब इतना ज़्यादा था, सस्ते में क्यों निपटा दिया? फर्स्ट ऑफ ऑल रवि जी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम सर। देखिए कई बार हम है ना हर चीज़ को पैसों से तोड़ लेते हैं कि बजट ज़्यादा है तो बड़ी गाड़ी लेंगे, और हम ये सोचना भूल जाते हैं कि कई बार प्रैक्टिकल डिसीजंस भी हमें लेने चाहिए लाइफ में। अभी आप ये देखिए कि पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ रहे हैं, आपको भी पता है इन्फ्लेशन तो हिटी करता रहता है। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी गाड़ी लें जिसका माइलेज अच्छा है, जिसकी एक प्रूवन रिलायंस है। अच्छा। स्विफ्ट एक ब्रांड ऐसा है जिसकी प्रूवन रिलायंस है, इस पर कोई डाउट नहीं क्रिएट होता है। और इसका माइलेज जो है ये इसकी USP है। लोगों को प्रॉब्लम थी इस गाड़ी में कि इसमें सेफ्टी रेटिंग्स की इशू थे लोगों को, इसलिए कुछ लोग अवॉइड करते थे। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ जैसे अभी डिज़ायर गाड़ी आ गई है और उसने 5-स्टार भारत NCAP उसने रेटिंग ले ली है, मुझे लगता है कि मारुति ने काफ़ी वर्क किया है बिल्ड क्वालिटी पे। और बिल्ड क्वालिटी सिर्फ ये नहीं होती कि ये आवाज़ कैसे करती है। 17 लाख के आसपास जो फिट बैठती है, आपकी नज़रों में कौन सी थी? देखो हमारे पास ऑलरेडी i20 है, हैचबैक थी, ठीक है। फैमिली हमारी बढ़ गई है, भाई की शादी हो गई, तो बस ट्रिप पे जाते हैं, हम मसूरी जा रहे हैं, नैनीताल जा रहे हैं, थोड़ी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, सामान होता है, लगेज होता है। C3 एयरक्रॉस चलाई मैंने, और भी गाड़ी चलाई, C3 एयरक्रॉस जैसा मुझे सस्पेंशन, राइड क्वालिटी, उनकी सीटिंग और रिव्यूज भी अच्छे थे काफ़ी लोगों के, मैं ये गाड़ी ले लेते हैं। जबकि इसने बुकिंग भी करा दी थी गाड़ी की, लेकिन एन मौके पर उसने बोला नहीं मैं तो स्विफ्ट ले रहा हूँ, गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो आपका क्या कहना था उसके बाद? मेरा दिल टूट गया मेरा दिल टूट गया। मैंने बोला यार क्या गाड़ी ले ली तूने, अब तू दिखा दी बस, मुझे चला लूँगा थोड़ी बहुत मैं, लेकिन मेरा मन नहीं है चलाने का। अब देखो इन्होंने दिमाग क्या लगाया, मुझे जहाँ तक लगता है कि मैं ज़्यादा पैसे भी देता, मुझे फ्यूल एफिशिएंसी भी कम मिलती। और उसमें आप क्या देख रहे थे, ऑटोमेटिक ही देख रहे थे? जी ऑटोमेटिक। तो मतलब ये कोई इस पे डाउट ही नहीं था मुझे कि मुझे मैनुअल लेनी, ऑटोमेटिक डेफिनेटली इन द करंट एरा। इस वाले सेगमेंट में आपने और भी कुछ गाड़ियाँ देखी जो इस बजट के आसपास आती है? जी बिल्कुल देखिए, बिल्कुल देखिए। मैं क्योंकि मेरा जब मैंने बजट जब स्टार्ट हुआ था तो स्टार्टिंग मेरा बजट ये था 11-12 लाख की गाड़ी ले लेंगे, इससे ज़्यादा ये, क्योंकि ये वही सारी इशू रहते हैं कि एसेट तो है नहीं, डिप्रिशिएटिंग एसेट है बेसिकली। तो हमें जो गाड़ी लेनी थी प्रैक्टिकल गाड़ी लेनी थी, 11-12 का बजट था। फिर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते मेरे भाई ने एक गाड़ी है C3 एयरक्रॉस वो इंट्रोड्यूस की, मेरा बजट मैंने बढ़ा लिया। फिर उसमें ऑटोमेटिक लेते लेते हमको 16.5 लाख की तो वो पड़ी जाती, तो 16.5 लाख का बजट बना लिया। अब 16.5 लाख का जब बजट बना तो हमने दूसरी गाड़ियाँ देखनी स्टार्ट कर दी, जैसे कि हमने सेल्टॉस देखी, हमने क्रेटा देखी, जो भी आप नाम सुनते हैं, जो भी पॉपुलर गाड़ियाँ हैं, किया की, हुंडई की, मारुति की भी इनफैक्ट, हाई राइडर भी देखी। फिर सारी गाड़ियाँ चलाने के बाद मुझे यही लगा, एक दिन मुझे ये अकर हुआ कि एक प्रैक्टिकल डिसीजन ये रहेगा कि आप एक अच्छे माइलेज की गाड़ी लीजिए। और अभी तो हमें देखिए, आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं, लोग हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, जब ऐसा संसार आ रहा है तो हमें एक इंडिकेशन मिल रहा है कि हमेशा पेट्रोल के प्राइसेस ठीक नहीं रहने वाले, बहुत ही फ्लक्चुएट करने वाले हैं। पेट्रोल के साथ साथ टोल टैक्स भी काफी बढ़ता जा रहा है, अगर आपने नोटिस किया होगा। जी जी जी। अच्छा एक बात बताइए, 9000 किलोमीटर आपने गाड़ी चला दी है जी, 9000 किलोमीटर में क्या नेगेटिव लगे आप? आपने क्या सोचा था और क्या नहीं मिला, ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? बहुत जोर लगाना पड़ता है सोचने में कि गाड़ी में क्या नेगेटिव है। गाड़ी का ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। मैंने सोचा ड्राइविंग में तो मैं इसको 10 में से 10 ही दूंगा, ड्राइविंग डायनेमिक्स में 10 में से 10 ही दूंगा, कोई मार्क में छोड़ना नहीं चाहता। लेकिन जब को पैसेंजर
की बात करते हैं तो इसका बेहतर एक्सपीरियंस मेरे ख्याल से मेरा ब्रदर दे सकता है, और जो मेरा ब्रदर पीछे भी बैठा है इस गाड़ी में, आगे भी बैठा है, तो ये ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस दे सकता है। उन्होंने तो पहले बोल दिया कंजेस्टेड फील होती है। मतलब i20 गाड़ी तो इससे चौड़ी है और इससे सस्ती मिली, 1070 की ली और कैंटीन से ली थी हमने CHD से, तो हमें 920 की पड़ी, और 920 कहाँ 11, और वो भी छोटी गाड़ी के लिए। देखो यार वो तो बहुत पुरानी बात होगी, 2021 की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। ठीक है, उसमें क्या CVT है क्या? नहीं, मैनुअल है। ये भी तो आप देखो, ये AMT है। वैसे i20 इससे ऊपर वाला जो है सेगमेंट, जो प्रीमियम हैचबैक का आता है उसमें आती है, उससे कम्पीट नहीं करती बिल्कुल भी, उसमें स्पेस ज़्यादा ही मिलेगा आपको। अच्छा ये बताओ माइलेज क्या निकाल रही हो, क्योंकि आपने हाईवे में हर जगह चला लिया है इसको, और सिटी में क्या दे रही है ये भी बताना। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैंने ट्रिप बहुत अच्छे अच्छे इसमें किए हैं। पहली बात तो ये गाड़ी जैसे कि मैंने पुणे से ली थी, और मैं गुड़गांव में जॉब करता हूँ, तो पुणे से लेके मैं आया था गुड़गांव, तो यही अपने आप में एक बड़ा ट्रिप था। उसके बाद मैंने गुड़गांव से इसको लेके गया जम्मू, जम्मू से लेके गया श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर वाला श्रीनगर, फिर वहाँ से पहलगाम गया, गुलमर्ग गया, फिर वापस मैं इसको देहरादून लेके आया, मेरे पेरेंट्स देहरादून में रहते हैं। अच्छा, तो देहरादून मैंने चलाई, फिर ऋषिकेश ले गया, बहुत सारे टेरेन से निकली है गाड़ी है। तो अगर मैं आपको इसका ऑन हाईवे मैं बोलूं, अगर सिटी टू सिटी जैसे हम जाते हैं, इंटर स्टेट हम जब ट्रैवल करते हैं, तो इसका एवरेज आपको मान के चलिए 23-24 आपको आराम से मिलेगा इसका। अगर कितनी स्पीड में, मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए? मैंने गाड़ी 100 से ऊपर नहीं चलाई है, ठीक है, ऑनेस्टली मैंने इस गाड़ी को 90-80 पे मैं इसको हाईवे पे चलाई। और AMT पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वो अपने आप गियर चेंज करता है, और थोड़ा बहुत आपका चलाने का तरीका पर भी डिपेंड करता है एवरेज। अगर हाईवे पे लगातार ये गाड़ी चलती जाएगी, मतलब लॉन्ग ट्रिप्स करेंगे, तो 20+ का ये आसानी से निकाल कर दे देती है। ठीक है, 3-सिलेंडर इंजन है, परफॉर्मेंस थोड़ी सी डाउन हुई है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अगर हम i20 से कंपेयर करें, तो आपके घर पे i20 है, 1.2 नेचुरली एस्पिरेटेड होगा, ठीक है, 4-सिलेंडर है, क्या फील अलग मिलता है? मुझे उसमें पावर बल्कि कम लगता है, मुझे ऊपर चढ़ाता हूँ ना गाड़ी, तो मुझे सेकंड गियर पे चढ़ती है, थर्ड गियर लगाऊंगा तो नहीं चढ़ती, दोबारा गियर शिफ्ट करना पड़ता है डाउनवर्ड्स। इसमें मुझे थोड़ा बेटर लगा चलाने में, कि एक वहाँ पे कैफे था, फर्स्ट गियर कैफे, मैंने बोला भाई मेरी i20 उतनी नहीं चढ़ती, तूने क्या चला ली, मतलब तू जानता है। वैसे AMT संभालता है सारा कुछ, वैसे तो उसमें तो मैनुअली आपको करना पड़ता होगा कंट्रोल, आपको कैसी लगी इतना चला लिया? देखिए पावरलेसनेस कैसे फील होती है, एक तो साइकोलॉजिकल चीज होती है, एक रियलिटी होती है। कुछ लोगों को साइकोलॉजिकल लग सकता है कि हाँ 4-सिलेंडर था तो उसमें पावर ज्यादा मिलती थी, ऑन पेपर्स भी पावर कम है इसकी, ठीक है ना, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ इसमें पावरलेसनेस मुझे फील नहीं हुई। मैंने बहुत स्टीप रस्तों पे इसको चढ़ाया है, 3 लोगों के साथ 4 लोगों के साथ चढ़ा है। मुझे पहलगाम में गया था, वहाँ बड़े स्टीप रस्ते थे, मैं चंदनवाड़ी गया था, जहाँ पे हमने चंदनवाड़ी प्लेस है, शायद आपको कुछ दर्शकों को पता होगा कि वहाँ अमरनाथ यात्रा वहीं से निकलती है जी, जी। और पहलगाम के पास है, बहुत अच्छा स्टेशन है, वहाँ पे पहली स्नोफॉल हमने देखी, और ये पहली स्नोफॉल में हमने गाड़ी वहाँ पे चलाई, जिसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर लूँगा, अगर आप दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें तो। गाड़ी चलाने में कोई ऐसी ट्रैक्शन में भी कोई प्रॉब्लम मुझे फील नहीं हुई, गाड़ी मुझे उस मामले में बहुत अच्छी लगी। एक तो इनका AMT है, जब हमने फर्स्ट टाइम मीडिया ड्राइव करी थी इसकी, तो डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि अगर आप AMT चलाते हैं तो काफ़ी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलने वाला है, क्योंकि इसकी AMT की जो ट्यूनिंग है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त है। अगर हम कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांड से, काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका AMT ऐसा लगता है कि आप मजबूरी में चला रहे हैं, इसके साथ ऐसा नहीं है। मैनुअल में हाँ, फर्स्ट गियर में जब आप लॉन्च करते हैं गाड़ी को, तो वहाँ पर अगर RPM कम होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत करती है, लेकिन AMT बहुत अच्छा संभालता है ये। अगर आप मैनुअल गाड़ी होती ना आपकी जी, आपको भी फील होता है। AMT लेके आपने काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया। अब स्पेस वगैरह के बारे में बताइए कि फैमिली को कैसा कंफर्ट मिल रहा है। भाई साहब ने तो बताया कि थोड़ी सी क्रैम्प्ड है i20 के कंपैरिजन में, लेकिन अगर हम ओवरऑल गाड़ी की बात करें, जिस सेगमेंट में ये आती है उसके हिसाब से प्राइस टू स्पेस कैसा है? तो इसके बारे में मैंने अपने पिताजी से पूछा था। अच्छा। तो वो अधिकतर सरकारी गाड़ियों में घूमे, एम्बेसडर में घूमे हैं, बीइंग ही इज सिविल सर्वेंट, ही वाज एक्स सिविल सर्वेंट, सो उन आफ्टर दैट उन्होंने अब i20 में बैठे हैं वो, इसमें भी बैठे हैं वो, तो उन्होंने बोला कि मुझे इसका अपराइट सीटिंग लगता है और अच्छा लगता है, डज नॉट हर्ट द बैक। बाकी क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकती है, बिकॉज इसका ब्लैक इंटीरियर है, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, तो ऑब्वियसली क्लॉस्ट्रोफोबिक लग सकती है गाड़ी, लेकिन वो भी साइकोलॉजिकल है। गाड़ी में एज सच पीछे वालों को स्पेस कम मिलेगी अगर उनकी हाइट 6 से ज्यादा है तो। जैसे रवि भाई की हाइट तो आप सबको दर्शकों को पता ही होगा, ये बहुत टॉल है, ये 6'4" है इनकी हाइट, तो ये बैठेंगे, इनके लिए i20 ये इनके लिए स्विफ्ट गाड़ी नहीं है, इनके लिए पहले ही मना ही है।
अगर आपकी फैमिली में ठीक ठाक हाइट के लोग हैं, 5'8" 5'10" तक भी हैं, तो आप ये गाड़ी आराम से सोच सकते हैं। लेकिन ज़्यादा लंबे अगर आप 6 फीट से ऊपर हैं तो मैं ये सजेस्ट करूँगा आप दूसरी गाड़ी देखिए। अच्छा, मारुति सुजुकी कहती है कि ये जो गाड़ी है सिटी पर्पज़ के लिए है, लेकिन आप सारी दुनिया जहाँ घूमने के लिए रेडी हैं, इससे लंबे लंबे ट्रिप्स करते हैं, आपको क्या रियलाइज़ हुआ? तो ये एक मैं बोलूँगा एक मिथ है जिसको मैंने पर्सनली, मैं आप जैसे मैंने आपको बताया मैं पुणे से गया था, मैंने इस गाड़ी को 9000 किलोमीटर चलाया है, मोस्टली ऑन हाईवे चलाया है, यू कैन से 40-60 मैंने इसको हाईवे पे रखा है, 40 मैंने सिटी भी क्रॉस की है, ऐसी बात नहीं है, बहुत कंजेस्टेड एरिया से भी मैं निकला हूँ। हाईवे के लिए गाड़ी नहीं बनी है, इस बात को कोई प्रूव करेगा तो शायद मैं मान जाऊँगा, लेकिन मेरे पास अभी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, मैं बता रहा हूँ ऐसा कुछ भी नहीं है। आप इसको हाईवे पे लेके जा सकते हैं, फैमिली के साथ जा सकते हैं, इट्स अ सेफ कार, एंड आई एम प्रीटी श्योर जब ये भारत एनकैप आएगा इसका या जी एनकैप भी आएगा तो इसमें डेफिनेटली इट विल स्कोर गुड मार्क्स। तो अभी हम 4 लोग बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर, पीछे आप देख सकते हैं कितना स्पेस मिल रहा है, लेग रूम वगैरह देखिए इन लोगों का, कैसा लग रहा है? लग रहा है 4 बाइक जोड़ दी हो। 4 या 2? 4 4 4। अच्छा, 4 बाइक। तो अब चलाते हैं इसको। अभी मैंने इनसे पूछा कि गाड़ी की क्या नेगेटिव हैं, और 5 मिनट का समय इनको दिया था कि सोच के बताओ, अभी कुछ है या अभी भी नहीं है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इस प्राइस रेंज में पैसा तो ले ही रहे हैं ये लोग काफ़ी। हाँ। तो ऑटोमेटिक IR भी हम दे देते तो मुझे अच्छा लगता। हाँ। कुछ चीज़ें हैं, बाकी स्टेयरिंग अगर टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट दे देते वो भी अच्छा लगता, तो किसी राइडर को फिर आसानी होती स्टेयरिंग को एडजस्ट करने में। इससे बढ़िया मारुति वाले साथ में एक ड्राइवर दे देते। और क्या क्या दे देते, तेल फ्री करवा देते हैं 1 साल का। सही बात है, वो तो करवा लिया। कैसे? वो तो करवा लिया, कम 17 लाख का बजट था इसका। हाँ। गाड़ी ले ली 11 लाख रुपए की। हाँ। अब पेट्रोल करवाना है इसको, और क्या। देखो मैं जो आपसे कह रहा था ना, आपकी वो बात समझ में नहीं आएगी, आप कह रहे हैं ना क्योंकि आपने मैनुअल नहीं चलाया है। कितने प्यार से उठती है आप, हमारे CNG वाला भी आप वीडियो देखना और वो भी देखना, वैसे तो अभी ऑफ हो गई है, देखो प्यार से उठ जाती है, थोड़ा सा स्ट्रगल उसमें होता है मैनुअल में। ये इतनी अच्छे तरीके से ट्यून कर रखा ना इसका AMT, बिल्कुल बिचार लोग बैठे हैं और प्यार से चल रही है, और कहीं पर भी ये बढ़िया चल जाएगी। तो थोड़ा सा कंसिडर करना, क्योंकि ज़्यादा महंगा नहीं आता AMT और मैनुअल का डिफरेंस, अगर आपने स्विफ्ट में ही जाना है तो। गियर शिफ्टिंग काफ़ी स्मूद है, काफ़ी प्यार से शिफ्ट हो जाते हैं अगर आप लाइट फुट में चला रहे हैं तो काफ़ी इम्प्रेसिव है। और 4 लोगों के बैठने के बाद भी कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कि गाड़ी को ये स्ट्रगल वगैरह कर रही हो। 4 लोगों को बैठा के हम पहली बार चला रहे हैं एक्चुअल। गाड़ी की जो USP है ना, वो मतलब पेट्रोल की इतनी बताता है कि भाई इतना अच्छा माइलेज दे रही था, मैं माइलेज देती हर ट्रिप के बाद मेरे को मोबाइल में शेयर करेगा, देख 22 की आ गई, देख 23 की आ गई, 25 की आ गई। अब मेरी I20 का एवरेज तो भाई 13-14 निकलता है, तब मुझे लगता है हाँ यार अच्छा, मतलब पैसे बचा लिए तूने और पेट्रोल के पैसे बचा लिए, दोनों चीज़ बचा ली तूने। माइलेज सिलेंडर निकालने के बावजूद भी पावर की कमी नहीं लगती है, और माइलेज भी आज की डेट में इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज देर आर सो मेनी लाइबिलिटीज वी हैव। देखिए इकोनॉमी को आप देखिए किस तरह से, इट्स नॉट अ वेरी स्टेबल इकोनॉमी, तो हमें जरूरी हमें जानने की जरूरत है कि हम एज अ मिडिल क्लास हम ज्यादा ओवर स्पेंड ना करें कारों पे, ठीक है। उसको यूज करते हैं, हम वैसे भी उसको डिस्कार्ड कर देते हैं 7-8 साल यूज करके, आप क्यों इतना महंगा खर्चा। आप SUV ले लेते हैं, आपकी इसकी टायर बड़े हैं, मोटे टायर हैं, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है। सिर्फ इंजीनियरिंग यहाँ तक सीमित नहीं है, मुझे लगता है कि बॉडी रोल भी कंट्रोल करने के मैकेनिज्म्स होते हैं जो कि काफी एक्सपेंसिव होते हैं। ये आप मिडिल क्लास है तो आप एक अच्छा जजमेंट अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए सोच के ही लीजिए। लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस तो इसका कम है, ग्राउंड क्लियरेंस तो उसका क्या कहना है? लेकिन एक अराइविंग डिपार्चिंग एंगल भी होता है, देखिए आप इंजीनियरिंग को थोड़ा सा इज्जत भी दीजिए ना, तो इसका जो डिपार्चर एंगल है वो बहुत अच्छा है, अराइविंग एंगल भी अच्छा है। कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ऑब्स्ट्रक्ट हो गई है मेरी गाड़ी, रुक गई है, ऐसे ऐसे डिफिकल्ट टेरेन से मैं निकला हूँ, ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर जैसे डिफिकल्ट टेरेन से निकलने का मुझे नहीं लगता कि इस गाड़ी में कोई ऐसा इशू है। अब देखो एक और बात मैं ऐड करना चाहता हूँ, कैफे नॉर्म्स 3 आने वाले हैं 2027 में, ठीक, वहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरर को अपना जो फ्लीट CO2 एमिशन है उसको कम करना पड़ेगा, तो ये काफ़ी कम जनरेट करती है CO2, अगर हम एमिशन के एंगल से भी देखें तो ये फ्यूचर रेडी है ये गाड़ी। ऊपर से इसमें CNG भी आता है, और CNG की जो सेल है वो भी अच्छी खासी होती है, तो मारुति धीरे धीरे जो है ना एमिशन्स को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रहा है टाइम से पहले, जो अभी
2800 सीसी के डीजल इंजन दे रहे हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है फ्यूचर में। डीजल के या पेट्रोल इंजन भी बड़े बड़े आ रहे हैं, तो इस इंजन से सिर्फ माइलेज ही नहीं, एमिशंस भी कम हो रहे हैं और काम भी निकल रहा है अच्छे से। और मैं फिर से कहना चाहूंगा AMT को प्रेफरेंस ज्यादा देना, क्योंकि थोड़ा सा आपकी जो तकलीफ है कम हो जाएगी और परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी है ये। 1500 RPM के बाद अच्छा खासा पुल है इसमें, कोई आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी, काफ़ी क्लोज हो जाता है ये 4 सिलेंडर इंजन के। लेकिन हाई एंड का जो परफॉर्मेंस है वो भी हल्का सा डाउन हुआ है अगर हम कंपैरिजन करें इसका 4 सिलेंडर वाले इंजन से। बट ओवरऑल जो पैकेज है वो काफ़ी सही है और लंबे समय तक इसको चलाया जा सकता है। रिलायबिलिटी की कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है मारुति सुजुकी में कि जो 30-40 हज़ार किलोमीटर के बाद पता चले। काफ़ी 3 सिलेंडर इंजन बनाए हैं इन्होंने, आप वैगनार आपने देखी होगी, ऑल्टो आपने देखी होगी, इन्होंने जो है यूटिलिटी पर्पज़ के लिए गाड़ी लेना ज़्यादा बेहतर समझा, ना कि शोशेबाजी के लिए। मैं सही कह रहा हूँ क्या? बिल्कुल सही बात है। और 5 लोग इसमें भी बैठ सकते हैं और आपकी बड़ी गाड़ी में भी बैठ सकते हैं, 4 लोग तो इसमें भी बैठ सकते हैं। तो जा रही है। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये बताता हूँ कि मेरे जो फ्रेंड हैं, दो काफ़ी खास दोस्त हैं, अर्जुन है मेरा दोस्त, विप्लव है, अर्जुन के पास होंडा की एलिवेट गाड़ी है और मेरा दोस्त विप्लव है उसके पास स्कॉर्पियो N है। दोनों ने मुझे ये बात सचेत कर दिया था उन दोनों ने कि आप भाई गाड़ी लेना बहुत प्रैक्टिकल लेना, हम तो लेके फंस गए हैं। क्योंकि देखिए हम ऐसी सोसाइटी में रहते हैं, इंडियन सोसाइटी में, जहाँ पहले हमें दिखावा करना है, बाद में उसके बाद हमें देखना है कि गाड़ी हमारे को कष्ट भी दे रही है तो स्माइलिंग फेस रखना पड़ता है लोगों के सामने। लेकिन दोस्त आपस में बता देते हैं कि यार आप गाड़ी प्रैक्टिकलिटी के लिए लीजिए। कल स्कॉर्पियो मेरा दोस्त भीड़ भाड़ में ले ही नहीं जाता, वो बोलता है कि गाड़ी ये निकलती है तो हाईवे के लिए निकलती है, वरना निकलती नहीं है। तो आप ऐसी जगह ना, ऐसी चीजों में ना फंस जाए। आपकी स्कॉर्पियो जैसी गाड़ी या बड़ी गाड़ी कोई सी भी हो, आपकी सेकेंडरी गाड़ी हो सकती है, लेकिन प्राइमरी गाड़ी आपको प्रैक्टिकल गाड़ी जरूर लेनी चाहिए। स्विफ्ट एक प्रैक्टिकल गाड़ी है, अगर आपके पास और दूसरी कोई गाड़ी है तो फिर आप SUV की तरफ रुख कीजिए। समाज में भी देखिए आप कितना, आप ये पोल्यूशन तो छोड़िए, आप पॉपुलेशन हो गया और ट्रैफिक हो गया, जाम से फंसे रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, 2 लोग बैठे हैं गाड़ी में, एक इंसान गाड़ी चला रहा है बड़ी सी, किया कार्निवल देख रहा हूं मैं, एक बंदा बैठा गाड़ी चला रहा है। तो आप थोड़ा सोच समझ के डिसीजन लीजिए। लिमोजिन आपको समाज को दिखाने के लिए लेना है, बहुत अच्छी बात है, दिखाना चाहिए आपको, अपनी सक्सेस को दिखाना चाहिए, लेकिन सक्सेस आपके कैरेक्टर में भी झलकनी चाहिए, ना कि आपकी सिर्फ गाड़ी में। तो आपको ये बहुत बड़ी और गहरी बात है ये बात जी। मैं आज ही अपनी स्कॉर्पियन बेचूंगा। देखिए रवि जी पे, रवि जी पे स्कॉर्पियन सूट भी करती है। हम मैं 5-8 हमारी 5-8 हाइट है, तो हम कहाँ स्कॉर्पियो के चक्कर में पड़ेंगे। नहीं, बात आपकी बिल्कुल सही है। जैसे हमें भी कभी सिटी में चलना होता है ना, हम अपनी छोटी दूसरी गाड़ी निकालते हैं जी, समझ रहे हो, क्योंकि बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन है बड़ी गाड़ी के साथ। एक तो बड़ा सा तंबूरा लेके आप पतली पतली गाड़ी गलियों में जा नहीं सकते, फ्यूल एफिशिएंसी भी कम देती है, ये सारी 50 चीज़ें हैं। और कोई भी आदमी जिसने मेहनत से पैसा कमाया है और वो फालतू ऐसे तेल में उड़ाए, उसको कभी भी अच्छा नहीं लगेगा और वो बताएगा जैसे इनके दोस्तों ने बताया। बाकी इसकी सुजुकी जो कनेक्ट ऐप है ना, वो बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, उस पर आपका व्हीकल का रियल टाइम डेटा आपको मिलता रहता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम भी इनका, इसका जो बहुत अच्छा है, स्पीकर बहुत अच्छे हैं इसके, स्पीकर इसके मुझे एग्जैक्ट कंपनी तो मुझे याद नहीं है, वो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं, लेकिन स्पीकर की साउंड क्वालिटी जो है ना हार्श है, और इसके लोज एंड हाइज आपको बहुत अच्छे आपको एक्सपीरियंस मिलने वाला है इस गाड़ी पे। 360 डिग्री कैमरे की कमी लगती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक 360 डिग्री कैमरा इज फॉर अ कार जो बहुत बड़ी होती है इन साइज। छोटी गाड़ियों में आप इसका टर्निंग रेडियस कितना कम है, इस गाड़ी को आपको लगेगा ही नहीं आप गाड़ी एक बड़ी चीज लेके चल रहे हो, आप बहुत प्रैक्टिकल चीज है। और इसकी मुझे कमी नहीं, मैंने जैसे बताया ऑटोमेटिक IRVM की मुझे कभी कभी लग जाती है कमी, बाकी ऐसा कोई इशू नहीं। ये सस्ती मिनी कूपर बोले इसको, सस्ती मिनी कूपर हाँ बोलते ही हैं, कह सकते हैं मिडिल क्लास लोगों के लिए तो ये सस्ती मिनी कूपर है। तो पैसा हमारे पास ज्यादा होगा तो मिनी कूपर कभी ले लेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे लगता है कि ये ठीक है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी, एक तारीफ तो बनती है, इसके सस्पेंशन अच्छे हैं वाकई में। बहुत अच्छे इनपुट दिया आप लोगों ने और काफी हेल्प होगी जो लेना चाहता है स्विफ्ट को, और काफ़ी चला भी दिया आपने, एवरेज भी बता दिया, 20+ तो आसानी से दे देती है अगर आपका हाईवे रहेगा ज़्यादा। तो सिटी में कितना, 15-16 मान के चलें या ज़्यादा? सिटी में आपको 17 मिल जाएगा इसका एवरेज। और अगर बिल्कुल कट थ्रो ट्रैफिक है तो आप मान के चलिए 13।
13 बंपर टू बंपर कट थ्रोट, मतलब बिल्कुल बंपर टू बंपर ट्रैफिक आपका चल रहा है, तो आपको 13 पे आप पकड़ लीजिए। तो दोस्तों यही है स्विफ्ट का ओनरशिप एक्सपीरियंस, गाड़ी लंबी चला दी थी तो लेना तो बनता ही था, आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू सो मच, थैंक यू आप दोनों का आने के लिए, फॉर इनवाइटिंग अस, थैंक यू।